नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी का किसानों की समस्याओं को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना, जिसे एसडीएम कार्यालय के बाहर आयोजित किया जा रहा है, पांचवें दिन भी लगातार जारी रहा। आपको बता दें, धरने पर बैठे विधायक महोदय के साथ किसानों की मांग है कि तत्काल किसानों के लिए बरदाना उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ धान उपार्जन की डेट को बढ़ाया जाए, जिससे आधे से अधिक ऐसे किसान जिनकी धान अभी तक उपार्जित नहीं की जा सकी है, उसका उपार्जन किया जा सके। आपको बता दें कि श्यामलाल द्विवेदी जी के द्वारा यह मांग की जा रही कि अगर आगामी दो दिनों तक विधायक महोदय द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की जा रही है कि अगर उनकी मांगों को और किसानों की समस्याओं का समाधान आगामी दो दिनों तक नहीं किया गया तो दो दिन के पश्चात क्षेत्र में सड़क जाम और प्रशासनिक कार्यों को रोकने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए पूरी तरह से शासन और प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि श्यामलाल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कमलनाथ सरकार एक किसान विरोधी सरकार है और समय तक अभी तक लगभग 15 से 20 दिन तक लगातार किसान उपार्जन केंद्रों पर बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो उनकी धान का उपार्जन किया जा सका है और ना ही उचित समय पर बरदाना उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, चालू। 20 जनवरी धान खरीदी की अंतिम तारीख थी। इसके पूर्व हमने एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब से 3-4 चक्र चर्चा किया कि 20 तारीख को धान खरीदी समाप्त हो रही है, किसानों की धान घरों में अभी डंप है, लाखों कुंटल धान खरीदी स्थल पर नहीं आई है, जिसके कारण खरीदी की तिथि बढ़ाई जाए। इस संबंध में जो एसडीएम साहब ने हमसे बताया, कलेक्टर साहब ने भी बताया कि हमने शासन को लिखा है अवधि बढ़ाने के लिए और धान खरीदी करने के लिए। जब हमें ये एहसास हुआ 20 तारीख को कि ये मात्र ढकोसले की बात कर रहे हैं, कोई दम नहीं है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, क्षेत्र के किसानों ने हमसे ये आग्रह किया कि लड़ाई जारी होनी चाहिए धरने के रूप में, जिसके कारण हम अपने भाजपा के साथियों के साथ, किसानों के साथ 21 तारीख को आदरणीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंप के और धरने पर बैठ गया। हमारी मांगें थी, किसानों की मांग थी कि जब धान खरीदी की तिथि निश्चित हुई तो 15 दिन तक सहकारिता विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसके कारण खरीदी का काम एकदम से बंद रहा। जब किसी प्रकार से हो हल्ला, जनता की गुहार मारने पर खरीदी शुरू हुई, दुर्भाग्य से 12 दिसंबर को भयानक बरसात हुई, आंधी तूफान ओले गिरे, जिसके कारण लगभग 5-6 दिन तक खरीदी प्रभावित रही, खरीदी बंद रही। और जब खरीदी का काम शुरू हुआ उस समय बारदाना ही गायब था, किसी भी केंद्र में बारदाना नहीं था। मैं खुद जो कलेक्टर होते हैं उनसे चर्चा किया, कलेक्टर से चर्चा किया, एसडीएम साहब से चर्चा किया, किसी कदर चर्चा करते करते कहीं 2000 कहीं 4000 केंद्रों में बोरियां उपलब्ध हुई, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बोरी नहीं मिली। इसके चलते 3 जनवरी को फिर से बरसात हो गई, फिर 3-4 दिन तक काम बंद रहा खरीदी का, और हमारा किसान निरंतर 20 दिन से खरीदी केंद्रों में ट्रैक्टर के नीचे चद्दर ओढ़ के, आग जला के, ठंड में सिकुड़ता ठिठुरता रहा, किसी को निमोनिया हुई, किसी को ठंड लगी, किसी की मरणांतक बीमारी हो गई, लेकिन इस शासन प्रशासन में जू नहीं रेंगी। तब हमने ये निश्चय किया कि प्रमुख सचिव जो हैं नीलम समी जी, नागरिक आपूर्ति की, उनसे हमने चर्चा किया,
कि ये क्या तमाशा मचा हुआ है हमारे त्योंथर में। खरीदी बंद है, बारदाना नहीं है, टोकन नहीं मिल रहा है किसानों को, किसान हाथ पे हाथ रखे बैठा है और मुश्किल से आपकी खरीदी 10 दिन तक मात्र चली है, वर्षा के कारण, प्राकृतिक अवरोध के कारण और किसानी वो बारदाना न उपलब्ध होने के कारण। तो आप तिथि बढ़ाएं और किसानों की दंप धान खरीदी करें। उन्होंने हमसे चर्चा किया कि आपका संघर्ष जो भारतीय जनता पार्टी त्योंथर में कर रही है, इसकी खबर एसडीएम और कलेक्टर कमिश्नर के द्वारा हमें है और निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि धान अभी डंप है। तो हमने उनसे कहा कि प्रतीत नहीं, त्योंथर धान का कटोरा है, जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन धान का त्योंथर में होता है और इस वर्ष इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ है कि डंप स्थल के साथ साथ खरीदी किसानों के घरों में धान बाकी है, तो उसको भी डेट बढ़ाइए खरीदने के लिए और बोरे का अभाव है, उन्होंने ये बताया। तो हमने कहा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जब सरकार थी, बरसात भी हुई थी और बारदाना घटे भी थे, लेकिन शिवराज सिंह जी ने किसानों की पीड़ा को देखते हुए किसानों के हित में उन्होंने ये घोषणा किया था कलेक्टरों को कि निर्देश जारी करो खरीदी केंद्रों पर कि जो बारदाना, जिस बारदाना में किसान ट्रैक्टरों में लाद के धान खरीदी स्थल पर ले आए हैं, उन्हीं में तौल करा ली जाए और उस बारदाने की कीमत 3-5 रुपए किसानों को दे दी जाए। हमने प्रमुख सचिव जी से यह भी अनुरोध किया कि जब कोई भी व्यक्ति काम करता है, कथा सुनता है, शादी करता है, भागवत करता है, ब्याह करता है, शादी करता है, एक कार्य योजना बनाता है और वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान का उत्पादन चाहे गेहूं का रहा हो, चाहे धान का रहा हो, प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के सभी राज्यों में नंबर 1 कृषि उत्पादन में हुआ है और कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। ऐसी स्थिति में माननीय कमलनाथ जी को क्या ये नहीं मालूम था कि धान की खरीदी होना है, धान का उत्पादन बढ़ा है? ऐसी स्थिति में ये कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, किसानों के हितों को अनदेखा किया है। जो धरती पुत्र, जो किसान का बेटा दिन रात मेहनत करता है चिलचिलाती धूप में, कड़कती ठंड में, भादों की अंधेरी रात में, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, ऐसी मेहनत करके एक कपड़े पहन के साल भर व्यतीत करने वाला किसान दुनिया को भोजन देता है, ऐसे अन्नदाता की इतनी फजीहत कि कोई सुनने वाला न हो? तब उन्होंने कहा कि मैं जांच दल गठित करूंगी और हमने कहा जांच दल मत गठित करिए, आप स्वयं आकर देख लीजिए कि त्योंथर की क्या हालात है, जिले की हमारे क्या हालात है। उन्होंने मेरे चर्चा पर, अनुरोध पर ध्यान दिया और जांच दल टीम गठित किया। जांच दल टीम शायद कल हमारे केंद्रों में आई है और कल हम जिला अध्यक्ष माननीय विद्या प्रकाश जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी के नेतृत्व में, क्षेत्र के विधायक माननीय गिरीश गौतम जी, माननीय नागेंद्र सिंह जी, पंचूलाल प्रजापति जी, माननीय प्रदीप पटेल जी के साथ कलेक्टर से मिले रीवा में और उनसे यही बात बताया कि इतनी फजीहत है किसानों की, आप क्या करेंगे? यदि आप तत्काल नहीं करते तो आज से ही मेरा चका जाम करने का प्रस्ताव था पार्टी का, लेकिन कलेक्टर महोदय ने ये अनुरोध किया सबसे कि हमारी जांच दल की टीम प्रतिवेदन दे दे, वो आ जाए, 2 दिन का हमको टाइम दे दिया जाए, 2 दिन के टाइम में कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा और हम किसानों की धान खरीदेंगे। तो उनसे ये कहा गया कि ठीक है, हम 2 दिन रुकते हैं और यदि 2 दिन के अंदर कोई किसानों की धान की खरीदी, बारदाना, टोकन उपलब्ध नहीं होता तो त्योंथर का समूचा किसान सड़कों पर होगा, जाम कर दिया जाएगा, चका जाम के माध्यम से कमलनाथ को एहसास करा दिया जाएगा कि किसानों की ताकत क्या होती है। यही हमारा कहना है और किसान पीड़ा में है, किसान व्यथित है, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, छोटे छोटे किसान हैं, वो सभी हाथ पर हाथ रखे और आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं और सरकार से निराश हो चुके हैं, उनकी पीड़ा
आक्रोश में बदलती जा रही है। आने वाले दिनों में देवथर में क्या होगा, हर जगह चका जाम लग रहे हैं, हर जगह जहां खरीदी केंद्र हैं वहां पर किसान चका जाम करके बैठ रहे हैं, आंदोलन करके बैठ रहे हैं। हमने उनसे आग्रह किया है कि दो दिन तक आप इंतजार करिए, कलेक्टर महोदय ने दो दिन का समय मांगा है, दो दिन के बाद यदि ये स्थिति नहीं बनती तो ये भूखा किसान चका जाम करने के साथ साथ अधिकारियों के घरों में ताला लगाएगा। किसान यदि भूखा है तो इन अधिकारियों को भी भूखा ही सोना पड़ेगा, इन्हें खाना नहीं मुयस्सर कराया जाएगा। ये निर्णय देवथर के किसानों ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। 21 तारीख से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय के सामने पूरे क्षेत्र का कार्यकर्ता भूखा प्यासा रह के धरने पर बैठा है और दो दिन का इंतजार है। दो दिन के बाद हम पार्टी के निर्णय के अनुसार चका जाम कार्यक्रम हमारा प्रस्तावित है। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।